The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, Namaskar, Adab, Satsvikal, how आज हम बात करेंगे यूरिन के अंदर अगर आपके एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं इस प्रकार के होते हैं एपिथेलियल सेल्स एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं यूरिन के अंदर पाए जाए तो उसका क्या मतलब है आज इस बारे में थोड़ा समझाते हैं पहले तो समझ लेते हैं एपिथेलियल सेल क्या होते हैं एपिथेलियल सेल्स का मतलब है आपके शरीर के बॉडी के अंदर लाइनिंग वाले जो सेल्स हैं जैसे सबसे बाहरी लाइन जो होगा वो एपीथीलियल सेल्स होंगे सो एपिथेलियल सेल्स एक तरीके के सरफेस लाइनिंग वाले सेल्स हैं और ये आपके स्किन के ऊपर आपकी खून की नलियाँ के ऊपर आपके पेशाब की नलियों के ऊपर आपके ऑर्गन्स के ऊपर सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है सरफेस लेयर उसको एपिथीलियल सेल्स बोलते हैं अब ये एपिथेलियल सेल्स अगर आपके यूरिन के अंडर आ जाते हैं तो आपके यूरिन को माइक्रोस्कोप के नीचे यानी यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपको दिखते हैं तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखने से पता चलता है भाई इसमें तो एपिथेलियल सेल ज्यादा है और नॉर्मल रेंज होती है क्योंकि इक्के दुक्के सेल थोड़े बहुत आने के लिए मिल सकते हैं पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं तो वो दिक्कत वाली बात है उसका मतलब है शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है किडनी की कोई बीमारी हो सकती है और कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है सो एपिथेलियल सेल्स यानी सर्फेस लाइनिंग ऑब्वियसली किडनी के थ्रू निकल के आ रहा है पेशाब में आ रहा है तो किडनी में या यूरिन के रास्ते में यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होने का रिस्क ज्यादा होता है सो so, क्यों टेस्ट किया जाता है जब यूरिन एनालिसिस किया जाता है यूरिन एनालिसिस मतलब यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी यूरिन आर एम वो रिव्यूस में आपको सेल्स दिखते हैं कि भाई कितने हैं मैं नो विजुअल एग्जामिनेशन जैसे ही आपको आप, आप, आप माइक्रोस्कोप के नीचे पेशाब को देखे पता चल जाता है और माइक्रोस्कोप के नीचे पता चल गया बहुत सारे एपिथेलियल सेल है क्या है ये तो यूरिन का टेस्ट कब कराया जाता है आपको पता है पेशाब में जलन हो रही है बार बार यूरिन आ रहा है पेट में दर्द है बैक पेन है प्रॉब्लम हो रही है ये लोअर साइड में या पहले से किडनी की प्रॉब्लम है या रूटीन जनरल चेकअप में भी यूरिन रूटीन टेस्ट किया जाता है बहुत सस्ता सा टेस्ट है और इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है कोई सोई नहीं लगनी है बस यूरिन का सैंपल आपको देना है कई बार अ, अर्ली मॉर्निंग यूरिन दिया जाता है मिड स्ट्रीम यूरिन बोला जाता है कि बीच में से लो और ये यूनियन सैम्पल कैसा देना उस पर एक अलग से हमारा वीडियो है वो भी देख सकते हैं आप बट इसका एनालिसिस मेन है रिजल्ट क्या होते हैं कि भी आपके यहाँ पे हल्के फुलके फ्यू एपिथीलियल सेल दिख रहे हैं मॉडरेट है या बहुत मैनी है मैनी मॉडरेट या मैनी अगर आता है तो मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है सबसे कॉमन और सबसे सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दूसरे नंबर का इशू यस्ट इन्फेक्शन किडनी डिजीज़ लिवर डिजीज या कुछ प्रकार के कैंसर्स भी हो सकते हैं पर सबसे कॉमन चीज़ है कि कोई ऐसी चीज़ है जो किडनी के रास्ते को डैमेज कर रही है रास्ते में से टूट टूट के एपिथेलियल ऊपर के सेल आपके पेशाब में आ रहे हैं सिंपल अगर नॉर्मल है तो भाई कुछ नहीं करना टेंशन की कोई बात नहीं है एपिथेलियल सेल नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि यूरिन एब्सोल्युटली नॉर्मल ही होगा कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता और दूसरे पस सेल्स मिल सकते हैं रेड ब्लड सेल्स मिल सकते हैं प्रोटीन्स मिल सकते हैं यूरिन के अंदर तो और दूसरी चीज़ों पे डिटेल वीडियो एक एक पे बनाया गया है आप देख लेना बाकी आपके सिम्टम्स और आपके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर मेन आपका डायग्नोसिस निर्धारित होता है पर आपको क्या जानना जरूरी है एपिथीलियल सेल के बारे में कि एपिथीलियल सेल्स सरफेस के सेल्स हैं और तीन प्रकार के एपिथीलियल सेल्स हैं यहाँ पर एक होते हैं स्क्वामस यानी ऐसे दबे दबे से एक होते हैं क्यूबॉइडल यानी कि स्क्वायर स्क्वायर फिर लेके आते हैं इसको लाना जरूरी है इसको आ जाए बेटा नहीं आ रहा है नहीं आ रहा कोई बात नहीं चलो तो एक होता है स्क्वेमस यानी कि ऐसे और एक होते हैं क्यूबॉयडल और एक होते हैं ये आ गया जी आ गया चलो तो स्क्वेमस सेल क्यूबॉयडल सेल्स और लंबे लंबे ऐसा कॉलोमनर सेल कॉलम ऐसे तीन प्रकार के होते हैं सो so, और कई बार एक ट्रांजिशनल सेल्स भी होते हैं रीनल ट्यूबुलर सेल्स भी होते हैं और स्क्वेमस सेल्स भी होते हैं ये क्यों बोला जाता है ट्रांजिशनल यानी के एक और दूसरे से मिलते हुए सेल्स है ना कहीं पर स्क्वायर भी है कहीं पर लंबे भी हैं इस प्रकार के और ट्यूबुलर सेल्स भी होते हैं तो ये अलग अलग नाम दिए गए हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना जरूरी मेडिकल फील्ड वाले लोगों के लिए है और स्क्वैमस एपिथीलियल सेल्स अगर आपके इतना जानना जरूरी है कि अगर स्क्वेमस यानी स्क्वायर स्क्वायर टाइप के एपिथीलियल सेल आपके यूरिन में आ रहे हैं उसका मतलब है कि यूरिन जो है कंटेमिनेट हुआ है कंटैमिनेट हुआ है सेल्स आपके यूरिथ्रा से आया है या विजाइनल ओपनिंग से आया है ये ज्यादा चांसेस होते हैं राइट दैट मीन्स ये तब होता है अगर आप क्लीन कैच यूरिन सैंपल नहीं लेते मतलब आप अपना जो नीचे का सिस्टम है वो साफ किए बगैर सैंपल लेते हैं सफाई करनी जरूरी है रेगुलर क्लीनिंग भी बहुत जरूरी है उसके ऊपर अपना अलग वीडियो है जरूर देखिएगा धन्यवाद जरूर जरूर इस वीडियो को शेयर करिए एपिथीलियल सेल्स जो होते हैं यूरिन आर एम वाले रिपोर्ट में अपने जाके ढूंढ लीजिए आपको दिख जाएगा कई लोगों के जीरो होगा कईयों की दिक्कत आएगी ऐसे ही यूरिन के कई सारे वीडियोस हैं यू अपने डॉक्टर एजुकेशन हमारे चैनल पे सर्च करिएगा और हमें कांटेक्ट करने के लिए नंबर आपके पास है ही थैंक यू धन्यवाद टेक केयर शब्बा खैर बाबा